इस सब के बीच आपको बताते हैं, अधीर रंजन चौधरी जिनको निलंबित कर दिया गया, उसी को लेकर कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अधीर रंजन चौधरी का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है कह रहे हैं मनीष। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण पूरी तरह चुनावी भाषण था, यह भी कहा मनीष तिवारी। सुनिए, साथ मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद। क्या आज की रणनीति रहेगी और जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी का निलंबन हुआ, आप लोग कैसे इस पर रिएक्ट करें? देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है। संविधान की धारा 105(1) के तहत हर सांसद को ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपनी पूरी आज़ादी से, बेबाकी से अपनी बात सदन के पटल के ऊपर रखे। ये बात सही है कि कुछ नियम कानून हैं जिसके तहत संसद चलती है, पर इस नियम कानूनों का ये मतलब नहीं है कि अपनी मेजॉरिटी का उपयोग करते हुए जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाया जाए। और इसलिए समय आ गया है कि धारा 105(1) में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके क्या अख्तियार हैं, इसके ऊपर उच्चतम न्यायालय से एक अधिकृत निर्णय ज़रूरी है। और मुझे ये लगता है कि श्री अधीर रंजन चौधरी जी जो कांग्रेस के फ्लोर लीडर हैं लोकसभा में, उनका जो निलंबन हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये फिट केस है जिसमें हमको इसको चुनौती देनी चाहिए, कानूनी चुनौती देनी चाहिए। पर ये अधीर रंजन चौधरी जी पे निर्भर करता है कि वो किस तरह का रणनीति अख्तियार करना चाहेंगे। चूंकि आप सर नई और अहम बात बोल रहे हैं, आप वकील भी हैं वरिष्ठ और आप सांसद भी हैं, क्या ये जो कहा जाता है कि सदन के अंदर की जो गतिविधि कार्रवाई होती है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट में उस पर सुनवाई नहीं हो सकती, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राजा रामपाल के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अलाउड है, कि क्या आप अपनी जो बहुमत है संसद में उसका उपयोग या दुरुपयोग करके क्या आप विपक्ष की आवाज़ दबा सकते हैं। ये बुनियादी सवाल है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, और मुझे लगता है कि श्री अधीर रंजन चौधरी केस के संदर्भ में इस चीज़ के ऊपर एक निर्णय ज़रूरी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।